मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सबको यीशु साहेब जय सु जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ऑनलाइन के द्वारा मसीह संगति में जुड़ पाते हैं। तो आइए बाइबल अध्ययन से पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम में तूने हम सबको अपने प्रेम से भरा कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबों को जीवन में आशीष को प्रदान कर। हाँ प्रभु जी, हर एक के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर। इस छोटी सी बिनती तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। आज का हमारा विषय वस्तु है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। मसीह में प्रियो भाइयों तथा बहनों, समय एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर हमारे जीवन के साथ जोड़कर हमें पृथ्वी पर भेजते हैं। वचन कहती है सबोपदेशक अध्याय 3:1-2 पद में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। जी हाँ प्यारों, गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर हमारे जन्म और मृत्यु का समय निर्धारित कर चुके हैं। यर्मिया अध्याय 1:5 पद में वचन कहती है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मसीह में प्रियो, यह जो जीवन परमेश्वर आज आपको और हमको दिए हैं यह हमारा बहुमूल्य समय है। पर आज हम मनुष्य जाति इसी समय को लेकर हर समय यही शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमारा समय ऐसा बढ़ जाता है कि हमारे पास समय ही नहीं बचता। हम हर दिन आने वाले भविष्य के लिए चिंता करके हमारे वर्तमान कुर्बान कर देते हैं और इस भाग दौड़ भरे जीवन में खुद को खो बैठते हैं। आजकल करते करते कब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, कब हमारा बल चला जाता है, सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम हर एक को ये आवश्यकता है कि हम हमारे समय का प्रबंधन करना सीखें, वो भी परमेश्वर के भय और प्रेम के साथ। आइए हम आज के विषय वस्तु को 3 भाग में देखेंगे। पहला, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय। दूसरा, परिवार के साथ समय। तीसरा, परमेश्वर के राज के लिए अपना समय। पहला, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय। मसीह में प्रियो, जैसा हमें किसी को अच्छे रूप से जानने के लिए उसके साथ समय बिताना होता है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर की बातों को समझने के लिए उनके वचनों के साथ समय बिताना आवश्यक है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास आए, उसके करीब रहें, ताकि संकट के दिनों में उनके वचन से हमें साहस मिले। हम वचन देखेंगे भजन संहिता अध्याय 55:16-17 पद। उसमें वचन कहती है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर को दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा सब सुन लेगा। जी हाँ मसीह में प्रियो, हम परमेश्वर के निकट आए कि हम पाप से बचाए जावे और उद्धार को पावे। याकूब अध्याय 4:8 में वचन कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिट्टे लोगो, अपने हृदय को पवित्र करो। मसीह आज दुनिया में आया कि हम जैसे पापी मनुष्य बचाए जावे। लूका अध्याय 5:32 में यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मसीह में प्यारो, हम हर एक कोई आज परमेश्वर के निकट आए, उसके वचन को पढ़े और उसकी शांति को पाए, प्रतिदिन प्रभु को पुकारे और प्रार्थना करें। विषय का दूसरा भाग, परिवार के साथ समय। मसीह में प्रियो,
हमारे जन्म के तुरंत बाद अगर कोई मुफ्त में बहुमूल्य तोहफा हमें मिला है तो वह हमारा परिवार। परमेश्वर आज परिवार को चुनते हैं कि उसके द्वारा एक नए जीवन को इस दुनिया में लाया जाए। परमेश्वर इसी परिवार के द्वारा आदि से लेकर अब तक अपनी महिमा को ही प्रकट किए हैं, पर हम में से बहुत लोग परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं परंतु परिवार को समय देना भूल जाते हैं। इसी समय ना देने की वजह से बहुत से परिवार बिखर जाते हैं। क्रोध और आपसी मतभेद में परमेश्वर की अनुग्रह को भूल जाते हैं। इसलिए हम हर एक कोई अपना परिवार को समय दे, अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर को महिमा दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6:6-7 में वचन कहती है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। हाँ, अपने परिवार का पालन पोषण परमेश्वर के भय प्रेम के साथ करें। एक दूसरे को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएं। जैसा वचन कहती है इफिसी अध्याय 6:1-4 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता को आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम पारिवारिक प्रार्थना को प्रतिदिन अपने घर में जगा दें, क्योंकि जो परिवार एक साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती है वह हर समय एक दूसरे के साथ प्रभु में बनी रहती है। विषय का तीसरा भाग, परमेश्वर के राज के लिए अपना समय। मसीह में प्रियो, हमारा जीवन बहुत ही कम समय का है और हम यह भी नहीं जानते कि कब हम पर मृत्यु आ पड़ेगी। याकूब 4:14 वचन कहती है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो भाइयों तथा बहनों, इस भाप मात्रा जीवन से हम समय रहते प्रभु को महिमा दें, उसके राज के लिए कार्य करें कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए परम सुखी होने पाए। इफिसी अध्याय 5:16-17 पद में वचन कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मसीह में प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज आप और हम मसीह के सुसमाचार हैं। संसार ने मसीह को नहीं देखा है, नहीं पहचाना है, पर आज हम मसीह के राजदूत हैं। दूसरा कुरंथी अध्याय 5:20 में वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं मानो परमेश्वर हमारा द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत से जीवनों तक पहुंचाया जाए। हमारा जीवन से लोग यीशु मसीह को पहचानें, यीशु पर विश्वास करें। इसके साथ हम अपने जीवन की चौकसी करें कि हम संसार के पाप, बुराई और अभिलाषों से बचे रहें। शक्ति भर प्रभु की सेवा करें और उसकी बुद्धि और सामर्थ की खोजी हों। मसीह में प्रियो, हम अपने समय को
बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करें। पूरे बाइबल में समय प्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण खुद परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हैं, जो इस जगत में आए कि हम सब बचाए गए। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई 30 वर्ष की उम्र में आरंभ किए थे और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पिता की दया और उद्धार की बातों को पूरे मनुष्य जाति को बताए। वे अपने शिष्यों को तैयार किए कि परमेश्वर की शिक्षा और अनुग्रह उद्धार हर मनुष्य तक पहुँचे। वे क्रूस पर चढ़ाए गए और 3 दिन में जी उठे कि हम पे मृत्यु राज ना करे, पर हम पुत्र की महिमा में आने के द्वारा आनंद जीवन को पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए जा रहे थे, तब वह जाते जाते हमें एक सहायक भी दे गए, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। पत्रस को कलीसिया का पत्थर ठहराए, जिसे हर एक मनुष्य यीशु मसीह को जाने। निश्चय ही यीशु मसीह ने अपने समय को बड़े धीरस्ता से प्रबंधन किए थे कि परमेश्वर पिता की योजना जो उनके जीवन से थी पूरा कर पाए। मसीह में प्रियो, हम भी अपने समय को मैनेज करना या प्रबंधन करना सीखें कि परमेश्वर की योजना में खरा उतरने पाए। अपने मन के प्याले को संसार की बातों से, चिंताओं से ना भरे, परंतु अपने मन के प्याले को खाली रखे, ताकि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरे और हम बुद्धिमानी के साथ उसके भय और प्रेम में बढ़ते जावे। प्रभु इस वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस पूरे समय में आप हमारे संग हो लिए, कि आपके वचन के द्वारा आपके महान प्रेम को हम जानने पाते हैं। जी हाँ प्रभु जी, आज हमारे जीवन में आपकी आवश्यकता है। आइए कि हमारे हर एक के मन में डेरा कर और हम हर एक कोई अपने मसीह जीवन में समय प्रबंधन करने पाए, कि प्रतिदिन आपके वचन में हम बढ़ते जावे और हर एक के पाप दोष गुनाह अपराध को क्षमा कर। और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी कोई आशीषित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय वस्तु के साथ शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु में बढ़ते जावें। धन्यवाद।